दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने दोस्तों या कस्टमर्स का कोटक बैंक में 8110 बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलाकर पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोटक 8110 बैलेंस सेविंग अकाउंट क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है। कोटक 8110 बैलेंस सेविंग अकाउंट एक तरह का एक बचत खाता है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे बैठे कोटक बैंक में यह बचत खाता खुलवा सकता है, जिसमें आपको अपनी सेविंग पर 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है। आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। 24 आवर आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलती है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है और आपको खाता खुलाने के लिए कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप बैंक खाते के माध्यम से कोटक 8110 बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलाकर पैसे कमाएंगे। कोटक बैंक में खोले गए प्रत्येक बचत खाते पर आप कमा सकते हैं 200 रुपए तक। मान लीजिए कि एक दिन में आपने 10 सेविंग अकाउंट खुलवाए तो आपकी कमाई होगी 200 × 10 = 2000, यानी कि आप एक दिन में 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने दोस्तों और कस्टमर्स का कोटक बैंक में बचत खाता खुलवाना कैसे है। सबसे पहले आपको अपनी बैंक साथी ऐप को ओपन करना है और एड लिंक पर जाना है। वहां आपको कोटक 811 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के ओपन नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आधार कार्ड व पैन कार्ड नंबर डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। कुछ डिटेल हैं जो आपको डालनी होती हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, आप मैरिड हैं या सिंगल, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम आदि इंफॉर्मेशन डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी जो भी कोटक की नियरेस्ट ब्रांच है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। अगर आपके नियरेस्ट कोई ब्रांच नहीं है तो आप एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी नेट बैंकिंग के जो पासवर्ड है वो यहाँ क्रिएट करने हैं। उसके बाद में आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग के जो पिन है, एमपिन, वो यहाँ क्रिएट करने हैं। उसके बाद में ये आपको पूछ रहा है कि आपका जो मोबाइल बैंकिंग के जो पिन आपने क्रिएट किए हैं क्या वो सेम रखना चाहते हो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए। अगर आप सेम रखना चाहते हो तो यस कर दो, अदरवाइज आप नो करके अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका कोटक 8110 बैलेंस सेविंग अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर दिखाया गया है, आपके जो CRN नंबर है वो है, आपका जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ दिख रहा है, आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो आपको यहाँ दिख रहा है, आपका कार्ड नंबर आपको यहाँ दिखाया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें, अब अपन जानते हैं कि आपको अकाउंट खुलाते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। खाता खोलने के लिए आपको आधार कार्ड व पैन कार्ड की जरूरत होगी तथा आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपके कस्टमर का खाता आपकी ऐप के माध्यम से ही खोला जाना चाहिए, ये केवल नए कस्टमर के लिए है। यदि आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट खोल रहे हो तो उसका पहले से कोटक बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। यदि आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन नहीं करते हैं तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा।